राम भाई सारा ने एक बार फिर से मंजीत एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हरियाणा की प्रमुख खबरें लिखते हैं 27 अगस्त 2024 की। चलो अब शुरुआत करते हैं। खटखट टोल पर 105 गांव आज विनीश को करेंगे सम्मानित, बेटी गौरव सम्मान से नवाजेंगे। जेजेपी गठबंधन में लड़ सकती है चुनाव, चंद्रशेखर आजाद की होगी हरियाणा में एंट्री। पुलिसकर्मी से मारपीट में भाजपा के पूर्व पार्षद मंडल अध्यक्ष सहित 5 पर केस। किरण चौधरी बोले हुड्डा ने क्षेत्रवाद फैलाया, बेईमानी से पाकिस्तान जैसा व्यवहार करते थे। कुलदीप बिश्नोई बोले प्रदेश में तीसरी बार आ रही है भाजपा सैनी, फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। भाजपा की पहली सूची 28 से 29 को संभव, पूर्व सीएम मनोहर लाल ने दी जानकारी। सीएम पहुंचे तो शाम बोले बंसीलाल से हुड्डा तो नहीं सीख पाए, हम जरूर सीखेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की देर श्याम करनाल में मंदिर में पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल। चुनाव से पहले भाजपा ने मानी हार, भूपेंद्र हुड्डा ने कसा तंज, बोले बीजेपी की इस मांग का समर्थन कर सकती है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा की जल्द आ जाएगी लिस्ट, पूर्व मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। कंगना के बयान पर हरियाणा में सियासत गरम, वैक्यू आप में कांग्रेस ने भाजपा को घेरा लगाए, गंभीर आरोप। कंगना के बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने लिखा गेटवेल सुन कंगना। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी होंगे भादरगढ़ से इनेलो बसपा गठबंधन उम्मीदवार। अग्रवाल सभा ने 13 अक्टूबर को मनाएगी अगरसेन जयंती। असिस्टेंट प्रोफेसर को मुख्यमंत्री नायब ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। नामकरण के समय उम्मीदवारों के साथ रहेंगे सिर्फ 4 लोग। 3 दिवसीय किसान यात्रा का हुआ समापन। पहली बार अंग्रेजी के साथ हिंदी में आएगा बिजली का बिल। चुनाव से पहले भाजपा ने मानी हार, इसलिए मतदान की तारीख आगे बढ़वा रही है हुड्डा। सभी 90 हलकों के पैनल तैयार, अधिकांश विधायकों को टिकट देगी कांग्रेस। रामनिवास सुजाखेड़ा आज भाजपा में होंगे शामिल। मनोहर सरकार के पूर्व मंत्रियों पर दाव खेलेगी भाजपा, शीर्ष नेताओं ने बनाया मन। जेएनयू छात्र संघ की भूख हड़ताल जल्द हो सकती है खत्म, प्रशासन ने कई मांगों पर सहमति बनी। मनीष सिसोदिया के घर पर आज होगी आम आदमी पार्टी की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। कोचिंग खुलेगी या रहेगी बंद, फैसला 28 अगस्त को। 7 लोगों को किया गया था गिरफ्तार। आईसीसी ने जारी किया T20 विश्व कप का शेड्यूल, भारत पाकिस्तान के बीच इस दिन होगा मुकाबला। घरेलू क्रिकेट ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होंगे मालामाल, सचिव जैसा का बड़ा ऐलान। बांग्लादेश से हार के बाद पाकिस्तान को हुआ भारी नुकसान, आईसीसी ने सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें जो हम आपके लिए लिख के आए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।